अच्छा मैं पता करता हूँ। ओके मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ अभी। अब्दुल जी, जी साहब जी, अब्दुल मेरे कोई लेटर्स वगैरह तो नहीं आए थे? जी अभी अभी आए हैं, ये मैं देने ही आ रहा हूँ। थैंक यू। दावा के नाम का लेटर हमारे एड्रेस पे? कहीं कोई और मसला ना खड़ा हो जाए, मुझे एक बार देख लेना चाहिए। जान से प्यारी ताबा, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कराची आया। यहां मैंने हमारे लिए घर ले लिया है और उसमें कुछ जरूरत का सामान भी डाल दिया है। मुझे मालूम है कि जुहेर हमें कभी एक नहीं होने देगा, मगर तुम फिक्र मत करो, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। मैं तुम्हारी राह के सब कांटे चुन सकता हूँ। पहले मुझे तुम्हारी मोहब्बत का यकीन नहीं था, मगर आखिरी मौका में सब यकीन हो गया कि तुम भी मुझे चाहने लगी हो। बस मेरे वापस आने का थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हम इस मोहब्बत को राज रखेंगे। अब ना ख्याल रखना, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा। इस मकान में तो अपना नाम भी नहीं लिखता, वरना इसको अगली सुबह देखना नसीब नहीं होती। ये तो मैं मालूम कर ही लूंगा। किताबा को ये खत लिखा किसने? क्या कहा खाला मीने? वो बहुत बदल चुकी है नताशा, बेटे की मोहब्बत ने उन्हें खुद गर्ज बना दी है। कहती है कि जुहेर की खुशी की खातिर वो कुछ भी कर सकती है। ताबा और जुहेर की शादी अब अपनी मर्जी से करवा रही है। क्या? हाँ, नताशा कहाँ जा रही हो? नताशा मेरी बात सुनो। नताशा हेलो शेरी, तुम हो कहाँ पे यार? कुछ नहीं यार, नताशा ने अपना हाथ काट लिया, इतना ब्लड लॉस हो गया, मैं सबको हॉस्पिटल लेके आया हूँ। तुम कब आ रहे? तुम्हारी कल की फ्लाइट है। तुम जैसे ही आओ सीधा यहाँ हॉस्पिटल आना। बेवकूफ है यार, मैं चलो जितनी जल्दी हो सके आऊँ।